हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों फाइनली आके मैंने भेड़िया, यहाँ दोस्तों स्टार बाय वरुण धवन और कीर्ति सेनन। दोस्तों भेड़िया के बारे में मैं एक ही वर्ड बोलूँगा, ये जो टाइटल है ना भेड़िया, रियली बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं बोल रहा हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन सच लगेगी। इसका नाम भेड़िया नहीं, इसका नाम डॉग होना चाहिए। रियली बता रहा हूँ, जंगली डॉग, इससे अच्छा नाम रख देते हैं। क्योंकि जंगल में ना भेड़िया दिखा ही नहीं मेरे को, जब भी नज़र आ रहा कोई कुत्ता ही दिख रहा था यार। वरुण धवन मतलब किसका चेहरे का इंप्रेशन देखो, जैसे लग रहा है ना कि ये पोस्टर से ही लगेगा ना कि आप इस मूवी को ना फर्स्ट शो देख डालो। और हम लोग भी वैसा ही किया, फर्स्ट शो देखे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैंने ठंडी में इतना सुबह क्यों उठा, इससे अच्छा 10-12 बजे का शो देखता, आराम से देखता। तो चलिए आते हैं हम अब स्टोरी पे। देखो स्टोरी सिंपल सी है, कहानी वही है कि जंगल को काटना है, पेड़ को काटना है, एक नया रास्ता बनाना है। दोस्तों पहले नंबर कि जितने लोग बोल रहे थे कि जुनून मूवी का ये रीमेक है वगैरह, आपको बता दूं कि जुनून वाला फीलिंग आएगी आपको। बट एक हॉलीवुड की मूवी है, मेरे को याद नहीं है कौन सी मूवी है, लेकिन हॉलीवुड से भी इसका जो ये स्टोरी है उसको भी उठाया गया। दोस्तों एक तरीके से बोल सकता हूँ मिक्स रीमेक किया गया, इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्सिंग करके रीमेक बनाए। वरुण धवन का जो काम है 0% उन्होंने अच्छा नहीं किया। कीर्ति सेनन जो कि इतनी हॉट इतनी सेक्सी दिखती है, मेरे को ना हॉट दिखी है ना ही सेक्सी दिख रही है, जैसे लग रही है कि एक इसमें बहुत अच्छी ट्विस्ट है कीर्ति सेनन को लेके। लेकिन यार स्पॉइलर नहीं दूंगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे यार स्पॉइलर दे रहे हो। बट आपको स्क्रीन पर जाकर देखो, आपको काफ़ी पसंद आएगी। इसमें दो स्टार और हैं जो कि एक क्या नाम उनका भाई, हाँ ये दो, सॉरी नाम नहीं जान रही है तो ये ना ये बंदा सुपर। देखो स्त्री में भी थे ये, ये सोलो मूवी भी काम किया, OTT पे एक मूवी आई थी इनकी। ये पूरी मूवी को इन्होंने खाया है और कुछ ये खा गए, और ये ना मूवी को खाए नहीं, ये मूवी को ना वो देखो ऐसा संडास है ना, संडास टट्टी वही है वरुण धवन, रियली बता रहा हूँ। एक सीन है यहाँ पे वो संडास करते रहते, अरे यार वो ना मेरे को उल्टी जैसा आ रहा था सीन देखकर। आप लोग भी ना आँखें बंद कर देना। सेकेंड बात 3D, अरे भाई मेरा ये जो गूगल है ना, इससे उससे बेटर ना ये गूगल पे मेरे को अच्छी लगती। कहाँ पे आप 3D बना रहे हो यार, इससे बेटर 3D रस 3 था, वो जो उड़ता ना कॉकरोच, कसम से लगता है कि मेरे चेहरे पे आ रहा हो, मेरे को शरीर के अंदर ऐसा घुस जाएगा ऐसा लगता था। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है जो कि आपको 3D वाली फीलिंग दिलाई, कहीं पे भी नहीं है यार। सॉन्ग की बात करें, म्यूजिक की बात करें, तो मेरे को ना वाहियात, सारे सॉन्ग वाहियात। एक अच्छा सॉन्ग था जो कि ठुमकेश्वरी, ओ माय गॉड, मेरे को ना यार मिला ही नहीं वो। सरदा फैन प्लीज़ यार आप लोग मर जाना, अगर आप सरदा कपूर को देखने जाने वाले हो अफ्तर स्ट्रीट डांसर के बाद, तो प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ कि आप सरदा के भरोसे मर जाना, क्योंकि सरदा है ही नहीं बड़े स्क्रीन पे। उसके लिए आपको स्त्री 2 का इंतज़ार करना पड़ेगा वापस उनको देखने के लिए। मेरा सर दुख रहा है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे बाजू में मेडिकल है, मैं जा रहा हूँ सेरोडोन लूँगा या कुछ और गोली ले लूँगा सर दर्द का, उससे अच्छा नहीं तो बाम लगा लूँगा, वो चलेगा। मेरे को ना अभी जाके घर पर सोना है, ऐसी फिल्में देखूँगा तो यार मैं एक दिन कोमा में ना चला जाऊँ, रियली बता रहा हूँ। तो दोस्तों मिला जुला के मेरे को ओके लगी। आप लोग अपने रिक्स पे जाओ, मैं नहीं बोलूँगा जाओ वाव क्या मूवी है एक बार देखो जाके, ऐसा नहीं बोलने वाला आपको। आप अपने रिक्स पे जाओ, आप जिंदा आ गए हो वापस तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उधर ही सो जाना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर रेटिंग की बात करें तो मैं इसको ऐसा दूंगा, ऐसा सुनने 0 स्टार, पूरी की पूरी वायात भाई, ऐसी फिल्में मत बनाओ। अमर कौशिक डायरेक्टर भाई प्लीज़ यार, ऐसा अच्छा ना अपना स्त्री पे ही काम करो, स्त्री 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक लेके जाओ, उससे बेटर है, इससे बेटर तो है ही है। तो बस भाई इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और वो जो बेल आइकन है ना बीच में जो घंटा रहता है वो भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।